Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Danish and आप देख रहे हैं DK Talks. Guys, आजकल की हाईटेक जनरेशन में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि फोन चोरी हो जाने के बाद को क्या करना चाहिए एंड कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फोन चोरी हो गया जाने दो नया ले लेंगे, सिम कार्ड चोरी हो गया जाने दो नया निकलवा लेंगे. इन फ्यूचर अगर आपका फोन चोरी हो जाता है एंड अगर आप भी ऐसे ही सोचते हो तो गाइस आप बहुत बुरा फंस सकते हो. दोस्तों, फोन चोरी हो जाने के बाद हमारा फोन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन जो फोन चोरी हो चुका है इन फ्यूचर हमें उससे कोई प्रॉब्लम ना आए, उन प्रॉब्लम से सेफ रहने के लिए हमें कुछ जरूरी स्टेप्स को फॉलो जरूर करना चाहिए. तो क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए जानते हैं आगे इस वीडियो में. उससे पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लेना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आप तक वो वीडियो सबसे पहले पहुंचे. तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में. तो पहले तो आपको पैनिक नहीं होना है. ज्यादातर लोग फोन चोरी हो जाने पर या फिर गुम हो जाने पर पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि पैनिक हो जाने से जो हमें जरूरी चीजें करनी होती है वो हम भूल जाते हैं. जब भी हमारा फोन चोरी होता है या फिर गुम होता है तो ऑब्वियसली हम किसी दूसरे नंबर से कॉल करते हैं, और अगर आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका फोन चोरी हो चुका है. ऐसी सिचुएशन में जो आपको सबसे पहले स्टेप फॉलो करना है वो है कि सिम कार्ड को ब्लॉक करना. बहुत सारे लोग सिम कार्ड को ब्लॉक करना ही भूल जाते हैं या फिर करते ही नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि गाइस आपके सिम कार्ड का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है एंड आप मुश्किल में फंस सकते हो. इसके अलावा दोस्तों, जो हमारा सिम कार्ड होता है वो काफी सारे अकाउंट के साथ जुड़ा होता है, चाहे वो कोई सोशल मीडिया अकाउंट हो जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल, इस तरह के जो सोशल मीडिया अकाउंट है उन सभी के साथ हमारा जो ये सिम कार्ड होता है वो जुड़ा होता है. और इसके अलावा हमारा सिम कार्ड बैंक अकाउंट से भी लिंक्ड होता है, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, तो ये जो सिम कार्ड होता है ये बैंक अकाउंट से भी लिंक होता है. तो ऐसे में अगर आपका सिम कार्ड किसी गलत यूजर के पास चला जाता है तो वो आपकी सिम का गलत इस्तेमाल कर सकता है. तो ऐसे में आपको करना क्या है कि जिस भी ऑपरेटर का आप सिम यूज कर रहे हैं आपको उसके कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करना है एंड आपका जो सिम कार्ड है उसको ब्लॉक करवा देना है. तो ये सबसे जरूरी स्टेप है जो आपको सबसे पहले फॉलो करना चाहिए जब आपका फोन चोरी हो जाता है या फिर गुम हो जाता है. नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो आपको फाइंड माई डिवाइस का यूज करना है, और अगर आप iOS यानी कि आईफोन यूज करते हैं तो आपको फाइंड माई का यूज करना है. इसकी मदद से आप अपने फोन को इरेज कर सकते हो, अपने फोन को लॉक कर सकते हो, और अपने जो फोन की लास्ट लोकेशन है वो भी फाइंड कर सकते हो. तो इसके लिए आपको किसी दूसरे डिवाइस में गूगल पर जाना है एंड आपको फाइंड माई डिवाइस सर्च करना है. जो भी पहला लिंक आएगा आपको उस पर क्लिक कर देना है एंड आपको उसी गूगल अकाउंट से यानी कि उसी जीमेल आईडी से लॉगिन करना है जो आपके चोरी हुए फोन में लॉगिन थी. यहाँ पर आपको आपके फोन की लास्ट लोकेशन देखने को मिल जाएगी और आपका फोन कहाँ पर लास्ट टाइम नेट से कनेक्टेड था आपको उसकी भी लोकेशन मिल जाएगी. और अगर आपने अपने फोन पर स्क्रीन लॉक नहीं लगा रखा तो आप अपने फोन को लॉक भी कर सकते हैं एंड अपने जो जरूरी डाटा है आपके फोन में उसको इरेज भी कर सकते हैं ताकि कोई भी आपके डाटा का मिसयूज ना कर सके. इसके बाद भी अगर आपका फोन नहीं मिलता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने फोन को ऐसे ही छोड़ दो. दोस्तों, आप अपने फोन के IMEI नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं. IMEI नंबर ब्लॉक करने के बाद जिसने भी आपका फोन चुराया है या फिर जिसके भी पास आपका खोया हुआ फोन है तो वो उसमें किसी भी तरह का सिम कार्ड डालकर उसे यूज नहीं कर सकता. ये सारी चीजें आप आजकल ऑनलाइन भी कर सकते हो. इसके लिए आपको CEIR.gov.in की वेबसाइट पर जाना है. ये वेबसाइट गवर्नमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से है. इस वेबसाइट की मदद से आप अपनी चोरी या फिर जो आपका फोन गुम हो चुका है उसके IMEI नंबर को ब्लॉक कर सकते हो. इससे पहले दोस्तों, आपको अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर अपने चोरी हुए फोन की कंप्लेंट रजिस्टर करवानी होगी. वहां से आपको एक कंप्लेंट नंबर मिलेगा जिसकी डिटेल आपको इस वेबसाइट पर आकर फिल करनी होगी. इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहां पर नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा जहां पर लिखा होगा ब्लॉक स्टॉलन स्लैश लॉस्ट मोबाइल. इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है. इसके बाद आपको यहां पर अपनी बेसिक डिटेल्स फिल कर देनी है, जैसे कि आपका नाम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, आपका फोन नंबर, अपने फोन का जो IMEI नंबर है वो. तो इस तरह की जो बेसिक डिटेल्स है आपको इसमें इस वेबसाइट पर फिल कर देनी है. तो आपको अपनी जो सारी डिटेल्स है वो फिल करने के बाद आपको कंप्लेंट सबमिट कर देनी है. ये सारी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास पहुंच जाएगी. इसके बाद वो आपके IMEI नंबर को ब्लॉक कर देंगे ताकि जिसके भी पास आपका फोन है वो आपके फोन का मिसयूज ना कर सके. ऐसा करने से आप कम्प्लीटली सेफ हो जाओगे एंड इसके बाद अगर आपका फोन मिल जाता है तो आप इसी वेबसाइट पर आकर अपने फोन को अनब्लॉक भी कर सकते हो. इसी वेबसाइट पर आपको नीचे एक अनब्लॉक की ऑप्शन मिल जाएगी. इस पर आपको वहीं अपनी डिटेल्स भरनी है एंड आपका फोन अनब्लॉक हो जाएगा. आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना गाइज. एंड ऐसी और यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.